हमारे हिंदू धर्म में ग्रह और नक्षत्र का विशेष प्रभाव होता है। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो भी घटना घटित होती है तो वो कहीं ना कहीं कुंडली के दोष की वजह से होता है। नवग्रह के बारे में तो आपने सुना ही होगा और ऐसा माना जाता है कि जिंदगी में जो भी कुछ होता है तो वो इन ग्रहों की चाल बदलने से होता है। तो इन्हीं नवग्रहों में से एक है बृहस्पति ग्रह। इस ग्रह को गुरु का कारक माना जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि बृहस्पति को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह माना गया है। तो वहीं ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रह का मात्र एक राजयोग भी व्यक्ति को बहुत आगे तक पहुंचा सकता है। कहा जाता है कि बृहस्पति ग्रह जितना अनुकूल होने पर शुभ प्रभाव देता है, उतना ही अगर प्रतिकूल है तो भयंकर और अशुभ प्रभाव देता है। तो वहीं कहा जाता है कि ये पांच तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति है, इस वजह से इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा और बड़ा होता है। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि बृहस्पति के राजयोग कितने और किस प्रकार के होते हैं। बात करते हैं पहले राजयोग की। जब बृहस्पति केंद्र स्थान में होता है तो माना जाता है कि बृहस्पति केंद्र में काफ़ी मजबूत होता है। तो वहीं अगर लग्न में हो तो अत्यधिक शक्तिशाली बृहस्पति को माना जाता है। और आपको बता दें कि ये अकेला कुंडली के समस्त दोषों को नष्ट करने के लिए सक्षम होता है। तो वहीं व्यक्ति की आयु भी लंबी कर देता है और उन्हें ज्ञानी भी बना देता है। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि मकर राशि में बैठा बृहस्पति शुभ प्रभाव नहीं देता। अगर ऐसा है, बृहस्पति अगर मकर राशि में बैठा हुआ है तो आपको मंदिर धार्मिक स्थानों पर ज़रूर जाना चाहिए और नियमित रूप से अगर आप तिलक लगाते हैं तो और भी अच्छा होगा। इसी के साथ ही अगर बात करें दूसरा राजयोग की, जिसे गज केसरी योग कहते हैं, अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हों तो गज केसरी योग बनता है। ये योग कर्क वृश्चिक और मीन लग्न में विशेष प्रभावशाली होता है। इस योग वाले व्यक्ति शासन और राजनीति में विशेष तौर पर सफल होते हैं। ऐसे लोग जीवन में जिस भी क्षेत्र में होते हैं काफ़ी सफलता इन्हें मिलती है। इस योग के होने पर व्यक्ति को शिव जी की उपासना करनी चाहिए और साथ ही पीला पुखराज धारण करना चाहिए। इसके साथ ही तीसरे राजयोग की बात करें, जिसे हंस योग कहा जाता है, बृहस्पति से बनने वाला ये पंच महापुरुष योग है। बृहस्पति अगर कर्क धनु या मीन राशि में हो तो ये योग बनता है, लेकिन ये योग तभी काम करता है जब केंद्र या त्रिकोण में हो। ये योग व्यक्ति को महान भी बना देता है। वहीं ये योग व्यक्ति को सम्मान भी दिलाता है। वहीं आपको बता दें कि जीवन में अगर ऐसा योग बन रहा है तो सात्विक रहना चाहिए और व्यक्ति को शुभ काम और धार्मिक काम करते रहना चाहिए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से ही श्रुतिक रिपोर्ट।